एवरीवन, दिस इज सुभश्री एंड आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी जिसके थ्रू आप अपना हेयर ग्रोथ करवा सकते हो। एंड जैसे कि आपका हेयर फॉल अगर ज्यादा हो रहा है, आप उसको थोड़ा कम कर सकते हो। हम डेली लाइफ में बहुत कुछ ऐसे गलतियां करते हैं जिसके वजह से हमारा हेयर ग्रोथ रुक जाता है एंड बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हेयर को ऑयलिंग कीजिए, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार कीजिए ऑयलिंग। एंड ऑयलिंग के साथ साथ आप मसाज भी कीजिए अपने बालों को। एंड अब जब मसाज करते हो, कुछ होते हैं जैसे ये नाखून हम लोग यूज कर लेते हैं जो कि हमको नहीं करना है। आप ऐसे फिंगर टिप्स लीजिए और फिंगर टिप्स लेके ऐसे ऐसे मसाज कीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे मसाज कीजिए। एंड हाँ, ऑयल को आप थोड़ा सा एटलीस्ट हॉट कर लीजिए। आप डबल बॉयलर प्रोसेस में भी उसको गर्म कर सकते हो। एंड थोड़ा सा गर्म करके आप बालों में ऑयल मसाज कीजिए, जिसके वजह से आपका हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होगा एंड हेयर फॉल भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप है, आप हर रोज बालों को कम कीजिए। अगर हम 2-3 दिन तक बालों को कम नहीं करते हैं तो फिर बालों में टैंगल आ जाता है, जिसके वजह से हम 3 दिन के बाद जब कम करने जाते हैं तो टैंगल होता है, तो वो क्या होता है, हेयर फॉल हो जाता है। हमारा जो कंघी है, कंघी में बहुत सारे बाल झड़के आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम होता है एक हेयर फॉल का। तो आप हर रोज अगर कंघी करेंगे तो हर रोज कंघी करने से वो टैंगल जो है इतना ज्यादा नहीं होगा, तो हमारा हेयर फॉल भी नहीं होगा। एंड हाँ, आप जब भी कंघी करते हो, कुछ होते हैं जैसे हम पीछे की तरफ से ऐसे डायरेक्ट कंघी करते हैं, तो आप वैसे मत कीजिए। आप इधर ये साइड में ले लीजिए, साइड में लेके ऐसे कंघी कीजिए, या तो फिर ये साइड में लेके कंघी कीजिए, तो उसके वजह से हेयर फॉल नहीं होता। पीछे से करने से वो हम ठीक से जान नहीं पाते कैसे क्या कंघी होता है, बालों में लगता है या नहीं लगता है, हम जोर से खींच लेते हैं तो उसमें से भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए ऐसे ही करने के लिए। थर्ड स्टेप जो है वो है शैम्पू एंड कंडीशनर के लिए। मैं अपने पिछले एक वीडियो में भी ये बताई थी, फिर भी मुझे कुछ दोस्त मेरे मैसेज करते हैं कि कैसे क्या करना है एंड वो वीडियो अच्छे से नहीं देखे हैं। आप चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं कि आप देख लेना। एंड मैं दोबारा भी बोल देती हूँ, आप जब भी बालों को शैम्पू करने जाते हो, आप डायरेक्टली कभी भी शैम्पू को बालों में अप्लाई ना कीजिए। आप एक मग ले लीजिए, उसमें आप जितना शैम्पू है उतना अमाउंट का वाटर भी लीजिए एंड उसको मिक्स करके वही वाटर वाला शैम्पू को अपने बालों में अप्लाई कीजिए। एंड कंडीशनर जो है आप ये स्काल्प में बिल्कुल यूज मत करिए, इसके वजह से हमारा जो स्काल्प में जो अगर हम यूज करते हैं ना, बाल जो है वो बहुत खराब हो जाते हैं, रॉक हो जाते हैं एंड फ्रीजी हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा हेयर ग्रोथ रुक जाता है, हेयर फॉल होना लग जाता है एंड बाल बहुत रॉफ दिखने लग जाते हैं। तो आप हमेशा यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ये जो पार्ट है यहाँ पे अप्लाई कीजिए, यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए। तो फोर्थ स्टेप जो है वो है, आप हमेशा अपने बालों को बांध के ना रखिए। अगर आप दिन भर बांध के रखते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, रिटेल सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनको तो बांधना पड़ता है, इवन कि आजकल के ऑफिस में भी बांधना पड़ता है। तो आप अगर दिन भर बांध के रखते हो तो आप रात को बालों को खुला छोड़ दीजिए ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। अगर ऐसे हम बांध के रखते हैं तो ये ऐसे खींच के रहता है, जिसके वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो आप रात को खुला छोड़ दीजिए। अगर आप रात को बांध रहे हो और दिन में आपका कुछ काम है नहीं, आप घर पे ही रह रहे हो या कुछ भी, या फिर आपके ऑफिस वगैरह में अलाउ है आपको बाल खुलना, तो आप खुला छोड़िए बालों को। एटलीस्ट आप 5 से 6 घंटा खुला छोड़िए ताकि बाल रिलैक्स हो सके। एंड हमेशा अगर बांध के रखते हो तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। एंड ये जो टिप्स है आप अपने डेली रूटीन में जरूर ऐड कीजिए एंड इसको फॉलो जरूर कीजिए, आपको फर्क जरूर पता चल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो, आपको ये वाला वीडियो अगर फायदेमंद लगा हो तो आप ये वाली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, मैं उस हिसाब से वीडियो बना के लाऊंगी। तो टिल देन टेक केयर,